हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं भिकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैकिंग मास्टर ऑल इन वन। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जीमेल की। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है, बोलो। जी हाँ दोस्तों, जीमेल में अगर कोई भी फोटो अटैच करके आप किसी को सेंड करते हो तो यहाँ पर लिखता है क्यूट। तो ये तुम्हारा समस्या है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेथड वन क्या है, चले देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स पर चले जाना है, आपके मोबाइल की सेटिंग्स पर। मोबाइल की सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एप्स, एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आगे करना क्या होगा आपको, तो उस पर आपको क्लिक करके जो है सिस्टम सो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करना होगा, क्योंकि ये एक सिस्टम एप्लीकेशन है तो इसीलिए दिखाई नहीं देगा। तो आपको सो सिस्टम ऐप पर क्लिक करना है, फिर आपको ढूंढना है जीमेल। जीमेल को ढूंढने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर देखिए स्टोरेज लिखा होगा, स्टोरेज लिखा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है क्लियर कैश डेटा लिखा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके पर दबा देना है और फिर बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर से जीमेल को ओपन करना है और फिर गॉट इट पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको वही अटैचमेंट आपको जोड़ के फिर से सेंड करने की कोशिश करना है। अब यहाँ से चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही जो है ऑप्शन आ जाता है, ऑन सेंड लिखता है और फिर क्यूड कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो इससे पहला मेथड से सॉल्व नहीं हुआ तो हम अब दूसरा मेथड ट्राई करने वाले हैं। तो दूसरा मतलब ये है कि आप जहाँ पर क्विड लिखा है उसे आपको दिखाई तो दे रहा होगा, वहाँ से आपको जो है रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के लिए ऊपर से नीचे आपको एक बार ड्रैग करना होता है। तो ड्रैग करके देख लेते हैं। ड्रैग जैसे ही करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अपने क्यूड मैसेज को फिर से रीसेंड। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ।